फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर। अभी मैं घर से रेडी होकर निकला हूँ, ये पीछे मेरा घर। और अभी सन्नी का भाई विकास मेरे को पिक करने के लिए आ रहा है, जो कि हमें ड्रॉप करके आएगा बस स्टैंड पे। वहाँ से हम बस लेंगे और बस लेके हम जाएंगे जयपुर। दोनों आ चुके हैं, विकास ये सन्नी। अब हम बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड पे आ चुके हैं। पीछे सन्नी लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। और 5:40 की बस है, ये बस आ चुकी है, अभी आई है। बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, यहाँ से अब हम जाएंगे। सन्नी की एक मीटिंग है वहाँ, मीटिंग के बाद फिर देखते हैं कहाँ। फ्रेंड्स यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और सन्नी आ चुका है फॉर्मल ड्रेस में। इसका बैग देखना, फोन पे बात कर रहा है। हम लोग रूम लेके रुक गए थे क्योंकि थोड़े से थके हुए थे। आज हम अभी उठे हैं, जा रहे हैं हवा महल देखने के लिए। आपको ऐसे आगे चिपक जाते हैं कि एक बार मना करने के बाद भी भाई भाई रूम ले लो, भाई भाई ऑटो में बैठ जाओ, पर मना करने के बाद तो इंसान को समझना चाहिए कि भाई नहीं जा रहे। टैक्सी बहुत महंगी है यहाँ, अगर आपको कहीं भी जाना है तो यहाँ की जो लोकल बस है उनका यूज करें। फ्रेंड्स ये है हवा महल। यहाँ एंट्री करने से पहले हम लोगों को टिकट लेनी पड़ेगी। इसके बिल्कुल साइड में ही, एंट्रेंस के बिल्कुल साइड में ही एक छोटे सा टिकट घर है, यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। चारों तरफ से मतलब कहीं पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आपको हवा नहीं आएगी। यहाँ पे फिर से ये छोटी छोटी विंडो बना रखी है, यहाँ से ये बाहर रोड दिख रहा है। चलो जब तक सन्नी वहाँ है हम देख के आते हैं नीचे। देखिए कितने पुराने दरवाजे हैं। यहाँ पे एक नंबर सा भी लिखा हुआ है, 555 ऐसा कुछ, 555।
अकेले तो इसमें जाने में भी डर लग रहा है। चले चलिए, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। ये पता नहीं क्या बना रखा है। यहां से पता नहीं मैं कहां पहुंच जाऊंगा, तो मैं वापस जाना चाहूंगा, पर मेरे को इधर कुछ दिखा है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये पुरानी मूर्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मूर्तियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ये कहीं खुदाई वगैरह में मिली हुई हैं। इनको देखिए आप कितनी खूबसूरती से बना रखा है, इतने अच्छे से मतलब इनको सजो के रख रखा है। और आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में, जो भी आपको पढ़ना हो मैं वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप वीडियो को पॉज करके और आराम से इनके बारे में कुछ भी, जो भी आप पढ़ना चाहें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इन ज़्यादातर मूर्तियाँ ये 17वीं 18वीं सदी की हैं, और इनके बारे में पूरा इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जैसे जो भी मूर्ति नृत्य वादन या कुछ भी है, जो आपको जो भी मतलब पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं इनके ऊपर से। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. हवा के लिए होल छोड़ रखे हैं, इसके ऊपर का तो बंद है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए मतलब किस टाइप में, थोड़ा सा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये बंद दिखेगा, पर थोड़ा सा नीचे होकर देखेंगे तो इनमें से हवा आने का रास्ता छोड़ रखा है। ये पूरा पिंक सिटी बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर स्क्वायर सा बनता है जिसके अंदर ये सारा पिंक कलर का काम हुआ है, इसी को पिंक सिटी बोल देते हैं। और ये अभी शॉप खुलनी शुरू हुई है, यहाँ पर बहुत सी शॉप लगातार आपको देख, हजारों शॉप यहाँ पर हैं। और ये रास्ता है जंतर मंत्र का, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, किसी ने हमको बताया था 148 के बीच से निकल जाओ भैया जंतर मंत्र के लिए। थैंक यू। अब आगे हम आपको मिलेंगे जंतर मंत्र में। ये टूटा सा संकरा सा रास्ता जंतर मंत्र के लिए जा रहा है, भरोसा यहाँ पर आप कर नहीं सकते इस रास्ते का, कहीं से भी पल मिल सकता है, लेकिन आई थिंक हम आ गए। ठीक है, पता चला।
जंतर मंत्र के लिए ये उसकी अलग टिकट लग गई, उसकी अलग टिकट लग गई, हर मनु लग गए है। तो वीडियो में की सारी बात मैं लग रहा है। आजा आजा, इसमें भी इतना साउंड कर दूंगा, जरूरी है, बोल लेना इससे बढ़िया सारा तेरे को बात बता होगा, एक तो बढ़िया सही बना काट के नाड़ के शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स, ये हम जंतर मंत्र पे पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पे पहला यंत्र है। ये आसमान में किसी भी चीज़ की ऊंचाई देख के और बताने के लिए है कि वो कितनी ऊपर है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे साइड में ये आप देख सकते हैं कि प्राइस भी लिखा हुआ है टिकट का, किसके लिए कितने की टिकट है। ये फ्रेंड्स, इस साइड दूसरा यंत्र है, इससे सूर्य की स्थिति से दिशा का पता चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन सब का। यहाँ पे पहले जमाने में यही यंत्र यूज किए जाते थे, इन सब से ही पता चलता था दिशा वगैरह का, टाइम वगैरह का, सब कुछ जो भी पता करना होता वो इन्हीं यंत्रों से पता किया जाता था। यहाँ पे जितने भी ये यंत्र हैं इन सभी का सूरज से उपयोग किया जाता है, जैसे कि सूरज की जो परछाई होती है जहाँ पे एक साइड में शेडो होती है, उस शेडो से टाइम का पता चलता है कि भाई अभी 12 बजे हुए हैं, 1 बजा हुआ है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि इतना टाइम हो रखा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे कि राशि का पता चलता है, तो सब कुछ यहाँ पे, मतलब जो भी कुछ पता चलता था वो सूरज की रोशनी से ही पता लगाया जाता था, अनुमान लगाया जाता था कि फ़िलहाल 12 बजे हुए हैं, 1 बजा हुआ है, और इतने अच्छे से इनको बना रखा है कि अगर आपको इन सब के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको यहाँ पे विजिट करनी पड़ेगी। और विजिट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा तो गाइड को साथ लेके आएं, वही आपको अच्छे से बता सकता है किस चीज़ का कैसे उपयोग किया जाता था, क्योंकि उनका तो काम है ये, उनको अच्छे से पता है, हम भी आपको अच्छे से नहीं बता सकते इतना अच्छे से। All the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. समझ से सारे बाहर हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा क्या है, कहीं क्लॉक है, कहीं फिर हमारी राशि के हिसाब से, जैसे वार्षिक और जो भी हमारी राशि होती है, कुछ दिशाएं बता रहे हैं, कुछ दिशाएं बता रहे हैं, कुछ टाइम बता रहे हैं, पर हम जैसे वो टाइम वगैरह देख रहे तो हमें समझ नहीं आ रहा। और वहाँ पे एक वॉच टावर है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कुछ बता रहे थे, वो गाइड एस्ट्रोलॉजर आते हैं, चढ़ते हैं और वो कुछ अपना पता लगाते हैं कि नक्षत्र कैसे होंगे, क्या इस साल क्या होगा, वो कोई स्पेसिफिक डे पर ही आते हैं।